नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में वर्तमान समय में जमीन से जुड़े मसले और विवाद ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि जमीन से जुड़े विवाद आपको लगभग हर घर में देखने को मिल ही जाएंगे। यही कारण है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार भी तरह तरह की सुविधाओं को उपलब्ध करवाती रहती है। अब राज्य सरकार की तरफ से एक और नई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके बाद ही जमीन का नक्शा हासिल करने में होने वाली परेशानी अब लोगों को नहीं होगी। बिहार सरकार इसको लेकर जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे आप घर बैठे बैठे नक्शा हासिल कर सकेंगे। हालांकि इसको लेकर आपको मामूली शुल्क भी अदा करनी होगी, लेकिन फायदा आपको ये होगा कि आप आने वाले समय में कार्यालयों के चक्कर और कर्मचारियों के आगे पीछे करने की परेशानी से बच सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद लोगों का काफी समय भी बच जाएगा और कई तरह के विवाद से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने भी बड़ी बात कही है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि बिहार के गांव, कस्बों और मौजों का राजस्व मानचित्र ऑनलाइन मंगाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसके साथ ही कुछ ही समय पहले 534 राजस्व अभिलेखागार में 102 को आधुनिक कर डाटा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ 16 तरह के राजस्व दस्तावेज मामूली शुल्क देकर आम लोगों को देने की योजना बनाई जा रही है। मंत्री जी का कहना है कि राज्य में सरकार की जमीन बचाने के लिए सभी कदम उठाए जाने जरूरी है। समय समय पर जमीन माफियाओं पर नकेल भी इसी कड़ी में कसा जा रहा है। वहीं जो पदाधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जमीन की समीक्षा भी हो रही है। लीज या आवंटन नियम संगत नहीं होने की स्थिति में इसे रद्द भी कर दिया जाएगा। 10 मार्च तक भूमिहीन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। जमीन खरीद कर उपलब्ध कराने के लिए राशि का आवंटन भी कर दिया गया है। विभाग की समीक्षा के बाद अब बताया गया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज नियमावली में संशोधन किया गया है। आवेदन रद्द करने का वाजिब कारण भी अब बताना ही होगा। जहां सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, वहां पर जमीन के साथ साथ नक्शे के म्यूटेशन का काम भी होगा। हालांकि इस मामले में सरकार की गहनता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काम को गति देने के लिए 409 राजस्व कर्मचारियों की पद स्थापना हुई है। 9 सप्ताह तक इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें दाखिल खारिज की शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही 534 डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा प्राप्त हो गई है। इसमें काम बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी खूब की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये बताया है कि वर्तमान समय में मठ मंदिरों के पास बहुत जमीन है, लेकिन वहां संकट है। सरकार का सीधा हस्तक्षेप इन जमीनों पर नहीं है। नियमों में संशोधन का काम भी किया जा रहा है। अब सेवई की जगह मंदिरों के नाम से ही जानी होगी। इसके अलावा नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहर, पैन आदि का प्रमाणिक ब्यौरा आधिकारिक रूप से शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहारवासियों को जमीन से जुड़ी समस्याओं से जल्द निपटारा मिलने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।